एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं करने वाली हूँ मेकअप ऑफ वेडिंग। तो यहाँ पे हम लोग ये पहन लिया है, तो अभी करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले ना हम लोग लगाएंगे ये कॉम्पैक्ट सारा। और यहाँ पे मैंने इसको लगा लिया। एंड गाइस, ये सिर्फ वेडिंग के लिए ओनली, सिर्फ मेकअप के लिए है। मैं आपको दिखाना चाहती थी कि तुम कैसे अच्छा सा मार्वलस मेकअप कर सकते हैं। तो उसके लिए ये बहुत क्यूट सा, एंड इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं करूँगी, तो ज़्यादा नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा सा। अच्छे से कॉम्पैक्ट हमारा ब्लेंड हो चुका है। तो मैं ना ये वाला, मैंने एक छोटू सी मेकअप किट होती है ना, वो ले ली है। और इससे ना इसमें ना सब हो जाता है, एंड बहुत छोटू सी है तो ये ज़्यादा वो रहती है। जब मैं नहीं जाती हूँ ना जैसे शादी वादी में, तब हम इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर। एंड इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे शेड्स मिल जाएंगे, एंड देन ये मिल जाएगा फेस पाउडर, एंड यहाँ पे ना लिपस्टिक भी है, उसके ब्रशेस। ये बहुत छोटू सा है, आप देखो मतलब होता ही नहीं है, लंबे से तो हो जाए ना। हम लोग कर लेते हैं आई मेकअप, बहुत ज़रूरी है। जो मैंने पहना है ये गोल्डन गाउन, इसमें गोल्डन कलर है नहीं, बट मैं गोल्डन कलर बनाऊँगी। हाँ, के लिए मैंने ना ये वाला कलर यूज़ किया, एंड ये वाला कलर यूज़ किया। अब देखते गोल्डन कलर बनता है नहीं बनता, लग तो नहीं रहा बनता है। तो हम लोग क्या करेंगे, मेरा दूसरा वाला ग्लिटर वाला है उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि इसको रख लिया था। किस कलर ना, सेम कलर है ना, ये रहा गोल्डन कलर। और ना मैं क्या करती हूँ, हल्का सा गोल्डन शेड दे दिया, फिर पिंक की थोड़ी सी डोडा, मतलब पिंक का थोड़ा सा आउटलाइन कर दिया, जिससे एकदम सेंसिबल लगेगा कलर। मेकअप कैसे निकाल लेती हूँ ब्रश, जिससे ना मैं अच्छे से वो कर पाती हूँ, तो ज़्यादा ही ईजी मैं जैसे लगा लेती हूँ, तो उससे ना ईजिली हो जाता है ब्लेंड। और ये हो गया, मेरी आई मेकअप में थोड़ा सा छूट रहा है, तो अब मैं ना पिंक कलर लूँगी और निकालते हैं। तो गाइस, मैं उधर से इधर आ गई हूँ, क्योंकि एक्चुअली ना मुझे लग रहा था वहाँ पे हल्की हल्की आपको लाइटिंग नहीं दिख रही है, तभी मैंने सोचा कि मैं इधर आ जाऊँ। तो अब तो दिख रही होगी ना लाइटिंग, क्योंकि उधर लगता लाइटिंग नहीं दिख रही, क्योंकि मुझे कैमरे में थोड़ा सा अंधेरा नहीं लग रहा था। मुझे लगा कि ना वो लग रहा, कोई लग रहा बता देना, कुछ मतलब कुछ भी चलो गई। एंड मैंने अपने इसको बहुत प्यारा शेड है, कैमरे में बिल्कुल जाती है ना, बट बहुत अच्छा शेड है, बहुत प्यारा। और मेरे पास ना ब्रश नहीं है यार, शिट, मैंने कुछ ब्रश ला कर आती हूँ। बस मेरी दूसरी मेकअप किट से मैं ब्रश लगाऊंगी, और ये पिंक कलर के, तो मैं ब्रश लगा देती हूँ, मजा आएगा, मजा इससे लगाएंगे। क्योंकि मेरा ब्रश लगाऊँ मैं ना पिंक पिंक हो जाएगा ना ब्रश ही पूरा। तो और बाकी का कॉम्पैक्ट वगैरह कैसे लगाऊंगी, तो इसको ऐसे से बस ब्लेंड कर लूँगी थोड़ा सा। इससे होगा ये कि अच्छे बॉडी ये ब्लश क्यों नहीं लग रही, देखो अच्छा है ना ब्लश, मुझे लगा नहीं लग रहा है, लेकिन लग रहा है। चलो इसका मैं ज़्यादा नहीं करूँगी, एंड अभी मुझे जिससे आपका हो जाता है। मेरा आई शेड भी हो गया बहुत प्रिटी सा, प्रिटी सा, प्रिटी। मुझसे शायद थोड़ा सा और पिंक कर लेती हूँ, एंड डार्क पिंक नहीं कर रही, क्योंकि डार्क में एकदम लाल कर दी का चेहरा ही लग रही। आई विल रेडी, बस लगा लेती हूँ लिपस्टिक, एंड मैं तो बताऊँगी। मैं छोटी वाली लिपस्टिक आई हूँ, क्योंकि तो मेरी जो जितनी डार्क लिपस्टिक थी मिली नहीं है, तो ठीक है। और गाइस, हमारा फाइनल लुक हो गया ना पूरा, बस ये रह गया। बट मैं आपको मैं बता दूँ, मैं कैसे लग रही हूँ, मतलब अच्छा लग रहा है, बस बालों की थोड़ी कमी है, बट उसके लिए मैं सेट हो जाऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।